हेलो एवरीवन, वेलकम सी ऑल इन जीडीसी ट्यूटर। मैं गौतम कुमार। आज हम लोग डिप्लोमा सेकंड ईयर फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 9 में क्या कर चुके हैं, एंटर कर चुके हैं। यानी प्रीवियस क्लासेस में यानी लेक्चर नंबर 8 में मैंने ड्रग एब्जॉर्प्शंस के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यानी कुछ डिक्टेट किया था। उसमें मैंने कुछ प्रोसेस बताए थे कि पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पिनोसाइटोसिस या फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म्स क्या हैं। इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि लिपिड सॉल्वर ड्रग कैसे क्रॉस करेगा मेम्ब्रेन को या वाटर सॉल्वर ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, कैरियर क्या है, कैरियर में चैनल्स का रोल क्या है, अपगेटेड चैनल क्या है, गेटेड चैनल क्या है, लिगेंड गेटेड आयन चैनल क्या है या वोल्टेज गेटेड आयन चैनल क्या है, और कैरियर के रूप में अगर हम प्रोटीन्स को यूज करते हैं तो प्रोटीन में यूनिपोर्ट क्या है, को ट्रांसपोर्ट क्या है, एंटीपोर्ट क्या है या तो सिंपोर्ट क्या है। ये सारे कंसेप्ट हमने प्रीवियस क्लासेस में आपको डायग्राम्स के थ्रू मैंने क्या किया था, चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर किया था। आई होप आपको वो सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे और उन सारे कंसेप्ट को आप पढ़ करके आज क्या किए होंगे, एंटर किए होंगे, आज वाली क्लास में ज्वाइन किए होंगे। आज हम लोग ड्रग एब्जॉर्प्शन पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं, यानी जो चैप्टर 1 आपका है जनरल फार्माकोलॉजी, उसी का ड्रग एब्जॉर्प्शन फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने जो पार्ट को देखा था यानी जो भी कंसेप्ट को डिस्कस किया था उसी ड्रग एब्जॉर्प्शन को आज वाली क्लास में यानी कि सेकंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे। और आज वाली जो क्लासेस है वो बेसिकली जो हमारी थ्योरीज की बुक है जनरल फार्माकोलॉजी की, जीडीसी पब्लिकेशंस की, उस बुक से लिए गए कंसेप्ट को मैं क्या कर रहा हूं, आपको डिक्टेट कर रहा हूं। अब देखिए आपके सामने क्या दिख रहा है, ड्रग एब्जॉर्प्शन सारे कंसेप्ट मैंने डायग्राम्स के थ्रू बहुत अच्छे से प्रीवियस क्लासेस में कंप्लीट करा चुका हूं। आज वाली क्लासेस में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको थ्योरी के फॉर्म में बेसिकली हम लोग स्टूडेंट क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। चलिए ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या है, तो सर एब्जॉर्प्शन इज द मूवमेंट ऑफ ड्रग। मैंने क्लियर किया था प्रीवियस क्लास में कि एक्चुअली क्या मूवमेंट है ड्रग का, फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ये साइट है ड्रग का यहां से कहां पर, इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, ब्लड में, यानी ड्रग का यहां से ब्लड के अंदर जाना, दैट इज द एब्जॉर्प्शन। यही तो मैंने क्लियर किया था लास्ट क्लास में। तो सिंपल सा डेफिनेशन, यानी आपके जो यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल एग्जाम आएंगे तो वहां पर सर एग्जाम में हमें डेफिनेशन कैसे लिखना है, नोट्स कैसे मिलेंगे, तो ये सारी चीजों के लिए जीडीसी क्लासेस ऐप अवेलेबल है, जहां पर जाकर के आप क्या कर सकते हैं, नोट्स वहां पर इजीली आप गेन कर सकते हैं। और साथ ही साथ में आप हमारे जो पेड बैचेस चलते हैं बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे, एग्जिट एग्जामिनेशन की तैयारी की जाती है, साथ ही साथ में जितने भी आपके कोर्स यानी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो सब्जेक्ट हैं उनकी क्लासेस क्या की जाती है, लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा जीडीसी के थ्रू ये जितने भी आपके सब्जेक्ट के जो बुक्स हैं वो बुक्स भी अवेलेबल हैं, बहुत ही लो कॉस्ट में, फुली कलर्ड बुक्स, वो भी स्टूडेंट फ्रेंडली बनाए गए हैं ताकि उनके लैंग्वेज को आप इजिली क्या कर सकूँ, गेन कर सकूँ, उसको अचीव कर सकूँ। सेकेंड पॉइंट, ड्रग एब्जॉर्प्शन इज अ मूवमेंट ऑफ ड्रग इनटू द ब्लड स्ट्रीम आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन। ऑब्वियसली बात है, आपने ड्रग को एडमिनिस्टर्ड किया, ड्रग एडमिनिस्टर्ड करने के बाद ब्लड के अंदर एंटर किया, उसी को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ड्रग्स है जी, तो ड्रग्स जब इस मेम्ब्रेन में यानी मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, ये हमारा क्या है, तो सर ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है। अब अगर लिपिड सॉल्वल ड्रग है तब तो इजिली क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। अगर लिपिड सॉल्वल ड्रग नहीं है तो ड्रग को क्या चाहिए, कैरियर चाहिए, जिसमें मैंने आपको बताया था कि चैनल भी हो सकते हैं या तो कैरियर प्रोटीन्स भी हो सकते हैं। तो ड्रग कैरियर के साथ क्या होगा, मिक्स होगा जीआईटी वाले रीजन में, और मिक्स होकर के इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ड्रग कहां पर एंटर कर जाएगा, ब्लड के अंदर एंटर करेगा। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में यही तो बताया था कि लिपिड सॉल्वल इजिली क्रॉस करेगा, अगर वाटर सॉल्वल होंगे तो उसको कैरियर की रिक्वायरमेंट होगी। कैरियर के फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, तो सर कैरियर के फॉर्म में हम बेसिकली प्रोटीन्स या तो चैनल्स को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उन्हीं पॉइंट्स को अब और अच्छे से डिक्टेट कर रहा है। तो टाइप्स ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। अगर आपसे पूछा जाए आपके एग्जाम में कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, तो देयर विल बी 3 टाइप ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। फर्स्ट वन इज ओरल, ओरल ड्रग एब्जॉर्प्शन। ओरल मतलब वैसे ड्रग जिसको ओरल रूट से लिया गया हो, यानी बाय माउथ लिया गया हो, और वो ड्रग क्या हो चुका है, अब बॉडी के अंदर में एंटर हो चुका है, तो उस ड्रग का ब्लड के अंदर में कैसे मूवमेंट होगा, यानी ब्लड के अंदर ड्रग का जाना, दैट इज द एब्जॉर्प्शन। और अगर मैंने ओरल रूट से ड्रग को लिया यानी कि बाय माउथ लिया है ड्रग को, तो वो ड्रग कैसे ब्लड के अंदर एंटर करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, ओरल एब्जॉर्प्शन कहेंगे। तो क्या करा जी, द इफेक्टिव बैरियर टू ओरल एडमिनिस्टर्ड ड्रग इज द एपिथेलियल लाइनिंग। एपिथेलियल मतलब जो हमारा एपिथेलियल मेम्ब्रेन है, ये जो हमारा एपिथेलियल मेम्ब्रेन है ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, जहां पर हमें ड्रग को क्या करवाना है, क्रॉस करवाना है।
एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट विच इज लिपोइडल। लिपोइडल मतलब ये लिपिड सॉल्युबल नेचर का होता है। कैसा होता है? लिपिड सॉल्युबल। सब मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे से समझा चुका हूं कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, तो सर फॉस्फोलिपिड के बने होते हैं, और अगर ये फॉस्फोलिपिड के बने होंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये लिपोइडल नेचर के होंगे, लिपोफिलिक नेचर के होंगे, लिपिड सॉल्युबल नेचर के होंगे। अब अगर किसी ड्रग को यहां से क्रॉस करना है तो अगर लिपिड सॉल्युबल ड्रग होगा तो इजिली क्रॉस करेगा, अदरवाइज कैरियर की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। एसिडिक ड्रग आर प्रीडोमिनेंटली अनआयोनाइज्ड इन द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस। अब देखिए यहां पर अनआयोनाइज्ड वर्ड आ गया, अब उसका मीनिंग्स क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो स्टूडेंट, अगर ड्रग पोलर है, कैसा है, तो सर वाटर सॉल्युबल है। मैं एक छोटा सा कंसेप्ट आपको क्लियर कर दूं, मैं यहां पर लिख रहा हूं, है ना, एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसको मतलब टर्म्स को समझने की कोशिश करना। अगर ड्रग कैसा है तो सर वाटर सॉल्युबल है। कैसा है? वाटर सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल के वो हम और क्या कहते हैं, तो सर इसके लिए हम पोलर वर्ड यूज करते हैं, यानी पोलर ड्रग का मतलब है वाटर सॉल्युबल। या तो इसको हम क्या कहते हैं, तो सर या तो इसको हम कहते हैं आयोनाइज्ड ड्रग। आयोनाइज्ड का मतलब भी क्या होता है, तो सर वाटर सॉल्युबल। और या तो इसको हम और क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक। ये वर्ड पे आपको काम करना है। हाइड्रोफिलिक का मतलब भी क्या होता है, तो सर हाइड्रोफिलिक का मतलब भी क्या होगा, तो सर हाइड्रोफिलिक का मतलब भी होता है वाटर सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल को हम पोलर भी कहते हैं, आयोनाइज्ड भी कहते हैं, या हाइड्रोफिलिक भी कहते हैं। इन सब का मतलब है कि ड्रग वाटर सॉल्युबल है। अब सेकंड टाइप का ड्रग क्या होगा, तो सर सेकंड टाइप का ड्रग होगा लिपिड सॉल्युबल। या तो ड्रग का प्रोफाइल क्या होगा, तो सर ड्रग लिपिड सॉल्युबल होंगे। तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग को हम और क्या कहते हैं, तो सर लिपिड सॉल्युबल को हम नॉन पोलर ड्रग कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? नॉन पोलर। और क्या कहते हैं, तो सर इसको अनआयोनाइज्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? अनआयोनाइज्ड। यहां पर वही तो है सर, अनआयोनाइज्ड कहा जा रहा है, अनआयोनाइज्ड। या तो इसको हम और क्या कहेंगे, लिपोफिलिक ड्रग कहेंगे। क्या कहेंगे? लिपोफिलिक ड्रग। और मैंने आपको बताया था कि अगर ड्रग लिपिड सॉल्युबल है तो उसका फास्ट एब्जॉर्प्शन होगा। अगर ड्रग लिपिड सॉल्युबल है तो उसका क्या होगा, फास्ट एब्जॉर्प्शन होगा। और अगर ड्रग वाटर सॉल्युबल है तो उसका लेस यानी स्लो एब्जॉर्प्शन होगा। क्यों? क्योंकि लिपिड लिपिड में मिक्स होकर के इजीली क्रॉस कर जाएंगे, फास्ट एब्जॉर्प्शन होगा। और आपका वाटर सॉल्युबल ड्रग का क्या होगा, स्लो एब्जॉर्प्शन होगा। तो यहां पर क्या कह रहा है कि जो एसिडिक नेचर का ड्रग होगा, ड्रग कितने नेचर का होते हैं, टू नेचर के होते हैं, एक एसिडिक और एक बेसिक ड्रग। एसिडिक ड्रग जो है स्टमक वाले रीजन में यानी एसिडिक पीएच पर क्या होगा, अनआयोनाइज्ड हो जाएगा। अनआयोनाइज्ड का मतलब ड्रग लिपिड सॉल्युबल हो जाएगा। और अगर लिपिड सॉल्युबल हो जाएगा तो ड्रग उसी एरिया में वहां से क्या हो जाएगा, अब्सॉर्ब कर जाएगा। क्या कह रहा है कि सपोज डैट यहां पर ये स्टमक है, यहां पर कोई ड्रग आकर के अनआयोनाइज्ड हो गया। अनआयोनाइज्ड मतलब लिपिड सॉल्युबल हो गया, तो सर ऑब्वियस सी बात है लिपिड सॉल्युबल है तो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कहां पे चला जाएगा, ब्लड के अंदर चला जाएगा। और अगर ब्लड के अंदर में ड्रग चला गया, इट मींस ड्रग का क्या हो गया, तो सर एब्जॉर्प्शन हो गया। तो सिंपली आपको क्या याद रखना है कि ड्रग अगर स्टमक्स वाले रीजन में अनआयोनाइज्ड हुआ, यानी ड्रग का एब्जॉर्प्शन यहां पर होगा। और स्टमक्स वाले रीजन में कौन सा ड्रग अनआयोनाइज्ड हो रहा है, तो सर एसिडिक ड्रग हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एसिडिक ड्रग का एब्जॉर्प्शन कहां पर होगा, स्टमक वाले रीजन में। क्यों होगा? क्योंकि उस प्रोफाइल में, उस पीएच पर, एसिडिक पीएच पे ड्रग वहां पर अनआयोनाइज्ड हो रहा है। क्लियर? तो यहां पर पॉइंट वही है कि प्रीडोमिनेंटली अनआयोनाइज्ड इन द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस एंड आर अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द स्टमक। तो बताइए एसिडिक ड्रग कहां से अब्सॉर्ब होगा, तो स्टमक से होगा। क्यों होगा? क्योंकि स्टमक वाले रीजन में एसिडिक पीएच होता है, जहां पर ड्रग जाकर के अनआयोनाइज्ड यानी लिपिड सॉल्युबल में कन्वर्ट हो जाता है। व्हाइल बेसिक ड्रग्स, यानी अगर बेसिक नेचर का ड्रग हो, अब क्या होते हैं, तो आपने पीएच प्रोफाइल पढ़ा होगा कि 7 पीएच से ऊपर जो होता है वो ड्रग को हम बेसिक कहते हैं, 7 to 14। और 7 से बिलो जो होते हैं यानी 1 to 7 तक का जो पीएच होता है वो क्या कहलाता है, एसिडिक कहलाता है। और 7 पीएच को हम न्यूट्रल कहते हैं। तो अगर ड्रग बेसिक होगा तो आर लार्जली आयोनाइज्ड एंड आर एब्जॉर्ब्ड ओनली अपॉन रीचिंग द ड्यूडेनम। अब बेसिक ड्रग ना इंटेस्टाइन में कैसा है, आयोनाइज्ड है। आयोनाइज्ड मतलब, सॉरी, बेसिक ड्रग जो है वो स्टमक्स वाले रीजन में क्या है, आयोनाइज्ड है। आयोनाइज्ड मतलब वाटर सॉल्युबल है। तो वाटर सॉल्युबल ड्रग तो सर यहां से इजीली तो क्रॉस नहीं करेगा, यानी यहां से एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो ये जब ड्यूडेनम में जाते हैं, ड्यूडेनम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, यानी स्टमक से अब हम कहां पर जाते हैं, तो सर ड्यूडेनम में जाते हैं। ड्यूडेनम से फिर हम जेजुनम, इलियम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर चुके हैं।
ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जैसे ही बेसिक ड्रग जैसे ही इंटेस्टाइन, यानी कि ये क्या है, तो सर स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। जैसे ही ड्रग स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो बेसिक ड्रग का एब्जॉर्प्शन फास्ट हो जाएगा। तो यहां से बस आपको इतना याद रखना है, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट को नहीं बनाते हैं, बस ये याद रखिएगा एसिडिक ड्रग स्टमक से अब्जॉर्ब होते हैं, बेसिक ड्रग इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होते हैं। क्यों होते हैं? तो एसिडिक ड्रग लिपिड सॉलिबिलिटी स्टमक में ज्यादा होती है, बेसिक ड्रग की लिपिड सॉलिबिलिटी इंटेस्टाइन में ज्यादा होती है। जहां पे ड्रग की लिपिड सॉलिबिलिटी होती है वहीं पे ड्रग का एब्जॉर्प्शन क्या होता है, फास्ट होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं। However, even for the acidic drug, absorption from the stomach is slower because the mucosa is thick and covered with the mucus. अब देखिए, stomachs वाले में ना mucosa एक layer होता है, covering layer होता है। वहाँ पर extra protective layer भी होते हैं ताकि acidic pH से हमारे stomachs वाले layer को क्या किया जाए, protect किया जाए। ये बहुत ज़्यादा thick होते हैं। That's why stomachs वाले region में क्या होता है, absorption slow होता है। क्यों होता है स्टमक वाले रीजन में एब्जॉर्प्शन स्लो? क्योंकि वहां पर क्या है जी, जो आपका म्यूकोसा लेयर है वो थीक है, थीक मतलब मोटा है, एंड द सरफेस एरिया इज स्मॉल। और स्टमक का सरफेस एरिया भी क्या होता है, स्मॉल होता है। जितना बड़ा, जितना लार्ज सरफेस एरिया होगा स्टूडेंट, उतना फास्ट एब्जॉर्प्शन होगा। और आपको पता है कि पूरी एलिमेंट्री कैनाल जो अराउंड 6 मीटर की अपनी बॉडी में होती है, यानी बाई माउथ टू एनस का जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, वो अराउंड 6 मीटर की होती है, 6 to 8 meters की होती है। उसमें से सबसे लार्जेस्ट पार्ट क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। तो सबसे बड़ा पार्ट अगर स्मॉल इंटेस्टाइन है, यानी कि सबसे ज्यादा ड्रग का एब्जॉर्प्शन कहां पर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। तो स्टमक के अंदर में ड्रग का एब्जॉर्प्शन स्लो क्यों होता है? एक तो क्या है कि सर उसका जो म्यूकोसा लेयर है वो थीक है, यानी मोटा है। और सेकंड पॉइंट क्या याद रखना है, क्योंकि सर स्टमक्स वाले रीजन में क्या है, सरफेस एरिया कम है, इसलिए वहां एब्जॉर्प्शन कम होंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा होती है, और सरफेस एरिया ज्यादा होने का रीजन है क्योंकि उसमें माइक्रोविली प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट में आप लोगों ने इन सब कंसेप्ट को पढ़ा होगा। द एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया इज मच लार्जर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे ज्यादा लार्ज एरिया कहां पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, क्योंकि वहां पर क्या प्रेजेंट है, तो सर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विली। विली क्या है, तो हेयर लाइक ऑर्गेनाइजेशन है जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है और ड्रग को अब्जॉर्प्शन कराने में हेल्प करता है। दस फास्टर गैस्ट्रिक एम्प्टी एक्सिलरेट ड्रग एब्जॉर्प्शन इन जनरल। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ड्रग का एसिडिक ड्रग का एब्जॉर्प्शन स्टमक से, बेसिक ड्रग का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से, स्टमक से एब्जॉर्प्शन कम होगा क्योंकि सरफेस एरिया कम है, थिकनेस ज्यादा है। इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है, क्योंकि वहां पर विली प्रेजेंट है। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एग्जाम्पल है जी नॉन आयोनाइज ड्रग। नॉन आयोनाइज मतलब लिपिड सॉल्युबल ड्रग। इथेनॉल इज रीडली एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्टमक। ये जो इथेनॉल होता है वो स्टमक से इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है। वॉटर पार्टिशन कोएफिशिएंट एसिडिक ड्रग सैलिसिलेट बारबिट्यूरेट एक्सेट्रा, ये सब के क्या होते हैं जी, कम होते हैं। तो ये एक छोटे से पॉइंट था, कंसेप्ट था, जिसको हमें क्या करना था, डिस्कस करना था। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टाइप, यानी ओरल टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्लियर हो गया कि सर बाई माउथ लेंगे तो ड्रग एसिडिक है तो स्टमक से, बेसिक है तो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगा। स्टमक से ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन रेट होगा वो स्लो होगा, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन रेट ज्यादा होगा, फास्टर होगा, क्योंकि वहां पर सरफेस एरिया ज्यादा है, माइक्रोविली प्रेजेंट है। बस इतना पॉइंट याद रखिए। अब आते हैं सेकंड टाइप ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, दैट इज द सबक्यूटेनियस एंड इंट्रामस्कुलर। सबक्यूटेनियस रूट से दे या मसल्स के अंदर इंजेक्ट करें, इंट्रामस्कुलर दें, उस केस में ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? तो इन दिस रूट द ड्रग डिपॉजिटेड डायरेक्टली इन द विसिनिटी ऑफ द कैपिलरीज। कैपिलरीज मतलब जहां पर आर्टरीज और वेंस दोनों जाकर के मिक्स होते हैं। हमारे बॉडी में जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आर्टरीज, वेंस और कैपिलरीज होते हैं। तो आर्टरीज यानी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, यानी हार्ट से पूरी बॉडी को सप्लाई करता है। वेंस जो पूरी बॉडी से ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट में लेकर के आता है, उसको हम क्या कहते हैं, विंस कहते हैं। और जहां पर आर्टरी और विंस मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। तो यहां पर डायरेक्ट कैपिलरीज में दिया जाता है सबक्यूटेनियस रूट से। लिपिड सॉल्युबल ड्रग पास रीडली अक्रॉस द होल सरफेस ऑफ द कैपिलरी एंडोथिलियम। ऑब्वियस सी बात है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग है तो इजिली क्रॉस कर जाएगा और उसका एब्जॉर्प्शन क्या होगा, फास्ट होगा। ये तो अंडरस्टूड है कि सर अगर लिपिड सॉल्युबल ड्रग है तो उसका एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा, वाटर सॉल्युबल ड्रग है तो उसकी एब्जॉर्प्शन क्या होगी, स्लो होगी। ये पॉइंट बिल्कुल अंडरस्टैंड है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट,
adsorption from the subcutaneous site is slower than that from the intramuscular site. Subcutaneous मतलब आपने subcutaneous route में इसको inject किया. मैंने आपको बताया था जब मैं parenteral drug आपको पढ़ा रहा था, तो intravenous, intramuscular, आपको subcutaneous ये सारे route मैंने आपको clear किए थे. तो subcutaneous as compared to intramuscular क्या होता है? Slow होता है, slower होता है. ठीक है, तो absorption from the subcutaneous site is slower than that from the intramuscular site. Both are generally faster and more consistent than oral absorption. तो देखिए, oral absorption के comparatively, यानी oral route से अगर मैं medicines ले रहा हूं, तो उसके absorptions के comparatively subcutaneous और intramuscular का absorption fast होता है. यानी अगर ड्रग आप सबक्यूटेनियस रूट से दे रहे हो, अगर ड्रग आप इंट्रामस्कुलर रूट से दे रहे हो, तो उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा एज कंपेयर टू ओरल अगर ड्रग को दे रहे हो. एब्जॉर्प्शन का मतलब ड्रग का ब्लड के अंदर जाना. एब्जॉर्प्शन का सिंपल मतलब क्या है? ड्रग का ब्लड के अंदर जाना. बस सिंपल भाषा में यही समझो, उसी को हम एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं. लेकिन अगर मैं सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर को कंपेयर करूं, तो सबक्यूटेनियस रूट से अगर आप ड्रग को एडमिनिस्टर्ड कर रहे हो, तो वो स्लो होगा एज कंपेयर टू इंट्रामस्कुलर. यानी इंट्रामस्कुलर से क्या होगा? फास्ट होगा. ठीक है, अब थर्ड टाइप क्या है जी? तो थर्ड टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड टॉपिकल साइड लाइक स्किन, कॉर्निया, म्यूकोसा मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन. यानी हम आईज पे अप्लाई करते हैं, स्किन के ऊपर हम अप्लाई करते हैं, इसको हम टॉपिकल रूट कहते हैं. रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने आपको इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से डिक्टेट किया है. तो अब इसमें ड्रग का एब्जॉर्प्शन क्या है, कैसे होता है, वो वाले पॉइंट पे अब हम लोग एंटर कर रहे हैं. तो सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन आफ्टर टॉपिकल एप्लीकेशन, सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन आफ्टर टॉपिकल एप्लीकेशन डिपेंड्स प्राइमरली ऑन द लिपिड सॉलिबिलिटी ऑफ द ड्रग. किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? तो सर, लिपिड सॉलिबिलिटी ऑफ द ड्रग के ऊपर क्या होता है? डिपेंडेंट होता है. ड्रग की लिपिड सॉलिबिलिटी क्या है, उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है. ऑब्वियस सी बात है, लिपिड सॉलिबल होगा तो वो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. अगर वॉटर सॉलिबल होगा तो इजिली पेनिट्रेट नहीं करेगा, लेकिन लिपिड सॉलिबल ड्रग होगा तो इजिली क्या करेगा जी? पेनिट्रेट कर जाएगा. तो ड्रग्स आर टॉपिकली अप्लाइड टू द स्किन व्हेन द स्किन इज अ डिजायर्ड साइट ऑफ एक्शन. ड्रग को जब हम स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो ये डिजायर्ड साइट है. यानी ड्रग चाहता है कि इसके ऊपर आप अप्लाई करो और मैं वहां से पोर्स के थ्रू क्या कर जाऊं, ब्लड वेसल्स के अंदर एंटर कर जाऊं और अपना एब्जॉर्प्शन शो कर सकूं. इन दिस सर्कमस्टेंसेस, सर्कमस्टेंस मतलब इस स्थिति में, इस परिस्थिति में, इस सिचुएशन में, है ना. तो इन दिस सर्कमस्टेंसेस सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन वेयर द मेडिकेशंस एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम After passing through the epidermis is often undesirable and may raise systemic safety issues. तो इस रूट से हो सकता है कि थोड़ा बहुत यहां पर आपको adverse effect, यानी कि आपके skins वगैरह में कुछ problems देखने को मिल सके. ठीक है, तो three type of drug absorption था, oral, subcutaneous, intramuscular और topical. अब हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट पे आते हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन का, ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन. यानी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से ड्रग का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, इस मैकेनिज्म्स को भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया है. क्या है जी? तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इन्वॉल्व द पासेज ऑफ द ड्रग अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. यानी कि यह हमारा सेल मेम्ब्रेन है, यहां से ड्रग का पास होकर के ब्लड के अंदर जाना, दैट इज द एब्जॉर्प्शन. और उसके लिए क्या होता है? तो सर, पैसिव ट्रांसपोर्ट. पैसिव मतलब अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. बहुत अच्छे से डायग्राम्स के साथ मैंने प्रीवियस क्लासेस में इसको क्या किया है, यानी इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने बहुत अच्छे से इसको क्या किया है, डिक्टेट किया है. तो क्या करा जी? द ड्रग मूव्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन विदाउट लूजिंग एनी एनर्जी. एनर्जी विल बी नॉट रिक्वायर्ड. एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है. इट इज टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज द डिफ्यूजन और सेकंड वन इज अ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. डिफ्यूजन में क्या है? तो मॉलिक्यूल्स एंड आयंस मूव फ्रीली इन गैसेस एंड लिक्विड. ईच टाइप ऑफ दीज पार्टिकल्स टेंड टू सेपरेट आउट इवनली विद इन द स्पेस अवेलेबल. जो भी स्पेस है, उसी स्पेस में लिक्विड हो, गैसेस हो, ये क्या होते हैं? पास हो जाते हैं. दैट इज द डिफ्यूजन. डिफ्यूजन थ्रू लिपिड, एग्जाम्पल लिपिड सॉल्युबल ड्रग. डिफ्यूजन के थ्रू कौन होते हैं? तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग ही क्या होते हैं? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करते हैं. मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, डिफ्यूजन थ्रू एन एक्वस चैनल लाइक वाटर सॉल्युबल ड्रग. यानी अगर एक्वस चैनल से हो रहे हैं, यानी एक्वस मतलब, एक्वा मतलब होता है वॉटर, तो नाम से ही क्लियर है, एक्वा यानी वॉटर. जैसे एक्वेरियम, एक्वेरियम मतलब जहां पर हम फिश स्टोर करते हैं, फिश रखते हैं, पालते हैं वहां पर. तो एक्वस चैनल भी होते हैं जिसके थ्रू वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट क्या होते हैं? मूव करते हैं.
ये डिफ्यूजन का बेसिक कंसेप्ट है। ये मैंने आपको बताया था कि पैसिव डिफ्यूजन में क्या होगा, तो देखिए पैसिव डिफ्यूजन में सिंपली डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि यहां पर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, यहां आपको ज्यादा मॉलिक्यूल दिख रहा है और यहां कम है, तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन यहां पर क्या है, तो सर यहां पर जो एरिया है वो क्या है, तो सर यहां पर हाई कंसंट्रेशन है और यहां पर क्या है, लो कंसंट्रेशन है। ये मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या है, तो सर ने ड्रग ने क्या यूज किया है, कैरियर, क्योंकि कैसा ड्रग है, वाटर सॉल्युबल ड्रग है, तो वाटर सॉल्युबल ड्रग है तो क्या यूज करेगा, कैरियर। कैरियर के रूप में चैनल भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, और ड्रग क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। डायग्राम्स के थ्रू मैं समझा चुका हूं, सारे पॉइंट में बता चुका हूं प्रीवियस क्लासेस में। सिम पोर्ट एक ही डायरेक्शन में, दो दो ये सिम पोर्ट है। फिल्ट्रेशन मतलब ये जो पोर्ट्स प्रेजेंट है, ये सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो पोर्ट्स प्रेजेंट है, इसको हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। अब अगर स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो सिम पोर्टर यानी एक ही डायरेक्शन में दो मॉलिक्यूल्स, एंटी पोर्ट एक अंदर आ रहा है एक बाहर जा रहा है, यूनिपोर्ट क्या है, तो एक ही मॉलिक्यूल्स का अंदर या तो बाहर जाना, इसे हम क्या कहते हैं, यूनिपोर्ट कहते हैं। अब सुनिए, ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है या स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और जो हमारा ये वाला पार्ट है, फिल्ट्रेशन हो गया या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गया या डिफ्यूजन हो गया, वहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। प्रीवियस क्लासेस में मैंने इन पॉइंट्स को भी बहुत अच्छे से क्या किया है, डिक्टेट किया है, डायग्राम्स के थ्रू मैंने वहां पर भी आपको समझाया है। अब फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट क्या है, इंडिविजुअली इनको देखना स्टार्ट करते हैं। तो सम हाई मॉलिक्यूलर वेट ड्रग डू नॉट डिफ्यूज थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कुछ ऐसे भी ड्रग्स होते हैं जो हमारे सेल मेम्ब्रेन होते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब हमारा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली जिसको हम कहते हैं हिंदी में। तो अर्धपारगम्य झिल्ली से कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो वो क्रॉस नहीं कर पाते हैं, लाइक ग्लूकोज अमाइनो एसिड। तो क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ग्लूकोज सर क्या है, तो सर वाटर सॉल्युबल है, तो वाटर सॉल्युबल है तो इजीली तो क्रॉस नहीं करेगा, इसके लिए क्या चाहिए, करियर चाहिए। तो यहां पर क्या होगा, सच सबस्टेंस आर अट्रैक्टेड बाय द करियर प्रोटीन्स। वाटर सॉल्युबल है ना, वाटर सॉल्युबल है तो क्या चाहिए, करियर चाहिए। पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको, विच वाइंड टू द ड्रग टू बी ट्रांसपोर्टेड, जो क्या करेगा, ड्रग के ऊपर ड्रग जाकर के उस करियर पे बाइंड करेगा और वो करियर हमें क्रॉस करा देगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मुझे नदी क्रॉस करना है, मुझे तैरना नहीं आता, मैं नाव पे बैठ गया, नाव वाले भैया ने क्या कर दिए, हमें नदी क्रॉस करा दिए, तो हमने करियर यूज किया। तो वैसे ही ये ड्रग है, ये क्या है, वाटर सॉल्युबल ड्रग है, ग्लूकोज वाटर सॉल्युबल है, और मेम्ब्रेन हमारा कैसा है, लिपिड सॉल्युबल। तो ग्लूकोज एक कैरियर को वहां पर क्या किया, ज्वाइन किया, और कैरियर के रूप में प्रोटीन हो सकते हैं या आयंस हो सकते हैं, आयन चैनल हो सकते हैं, तो प्रोटीन पे बाइंड करके क्या कर गया, क्रॉस कर गया। ये क्या हो गया आपका, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गया। कैरियर प्रोटीन चेंज द शेप एंड द डिपॉजिट सब्सटेंसेस ऑन द अदर साइड, कैरियर प्रोटीन अपना साइज शेप चेंज करता है, उसको हम कहते हैं कन्फर्मेशनल चेंजेस। कन्फर्मेशनल चेंजेस होता है और ड्रग क्या कर जाता है, उसके थ्रू बाइंड कर जाता है। ये आपका फैसिलिटेटेड है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मैंने क्या बताया था कि अगर लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मूवमेंट हो, यानी नीचे से हम ऊपर भेज रहे हैं, तो हमें एनर्जी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पर क्या होगा, द ड्रग मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द यूटिलाइजिंग एनर्जी। क्या चाहिए इसको, एनर्जी चाहिए, क्योंकि मूवमेंट कैसा हो रहा है, तो सर मूवमेंट लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन हो रहा है, इसीलिए तो यहां पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। प्रीवियस क्लासेस में मैंने इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से मैं बताया हूं, डिक्टेट किया हूं, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिस सीरीज से मैं लेकर के आ रहा हूं कि आपको ये वाला पार्ट पढ़ना है, तो पहले प्रीवियस पार्ट पढ़ करके आइएगा, तब जाकर के ये क्या होगा, चीजें क्लियर होगी, ठीक है। एंड समटाइम्स इट ऑल्सो रिक्वायर्ड कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन के थ्रू भी क्या होगा, ड्रग ट्रांसपोर्ट करेगा। अगर वाटर सॉल्युबल है तो ओनली ड्रग रिलेटेड टू नेचुरल मेटाबोलाइट्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय दिस प्रोसेस, आयरन अमाइनो एसिड लिवोडोपा, ये सारे ड्रग्स क्या होते हैं, इस मैकेनिज्म से यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से क्या होते हैं, क्रॉस करते हैं। पिनोसाइटोसिस, मैंने आपको बताया था कि यहां पर एक वैसिकल का फॉर्मेशन होगा, ये सेल मेम्ब्रेन में इस टाइप से वैसिकल्स बन जाएंगे और इस वैसिकल्स के थ्रू क्या होगा, ड्रग्स अंदर चला जाएगा, जिसको हम एंडोसाइटोसिस, बाहर जाने को हम एक्सोसाइटोसिस कह रहे थे। तो यहां पर वही है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग बाय द फॉर्मेशन ऑफ वैसिकल्स, द प्रोटीन एंड द मैक्रोमोलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय दिस प्रोसेस, यानी एक छोटा सा वैसिकल बन जाता है सेल मेम्ब्रेन में और उसके थ्रू ड्रग क्या हो जाते हैं, एंडोसाइटोसिस मतलब सेल के अंदर आ जाते हैं, और सेल से अगर बाहर जाना होता है तो एक्सोसाइटोसिस क्या करते हैं, सो करते हैं। तो यहां पर वही पॉइंट है स्टूडेंट, एक आपका क्या है, एंडोसाइटोसिस, यानी कि इट इज द प्रोसेस, यानी जैसे मान लो ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन में अगर कोई ड्रग बाइंड किया तो ये मेम्ब्रेन यहां पर क्या हो जाता है, तो सर ये मेम्ब्रेन यहां से एक वैसिकल का फॉर्मेशन करेगा, ड्रग अंदर बाइंड करेगा और ड्रग पेनिट्रेट कर जाएगा।
क्लियर। तो इसे हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। और अगर सेल से ड्रग का बाहर जाना है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस इट इज द प्रोसेस वेयर स्मॉल ड्रॉपलेट्स आर एंगल्फ बाय सेल। ये ड्रग को एंगल्फ किया, खा गया, खाना, उसको एंगल्फ करना कहलाता है। बाय सेल मेम्ब्रेन एंड कैरियर इनसाइड द सेल एज अ वेसिकल, इसी को हम क्या कहते हैं, वेसिकल कहते हैं। और इस वेसिकल ने इस ड्रग को एंगल्फ यानी अपने अंदर खा गया, अपने अंदर समाहित कर लिया। देन वेसिकल मेम्ब्रेन इज ब्रोकन डाउन टू द रिलीज द सबस्टेंस, एग्जांपल विटामिन बी12 इन जीआईटी। जीआईटी में विटामिन बी12 ऐसे ही क्रॉस करता है ये मेम्ब्रेन, फिर बाद में क्या होता है, तो सर यहां पर क्रॉस करता है और इस ड्रग को अंदर ले लेता है और वापस से फिर अपने वापस वाले शेप में आ जाते हैं। ऐसे ही एक्सोसाइटोसिस यानी अंदर से चीजों को बाहर जाना। The reverse process exocytosis is responsible for the secretion of many substances from the cell like neurotransmitter from the nerve ending. यानी neurons यानी nerve cell से आपको neurotransmitter का बाहर release होना, that is the exocytosis कहलाता है। तो endocytosis and exocytosis ये दोनों आपके क्या हैं, pinocytosis mechanisms हैं जिसके through drug क्या होते हैं, absorb होते हैं। तो ड्रग एब्जॉर्प्शन को मैंने दो पार्ट में कंप्लीट किया, लेक्चर नंबर 8 में जिसको मैंने ड्रग एब्जॉर्प्शन फर्स्ट बोला था, और लेक्चर नंबर 9 यानी आज जो था जिसको हमने ड्रग एब्जॉर्प्शन 2 यानी पार्ट 2 बोला था। यानी क्योंकि ड्रग एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा बड़ा सा कंसेप्ट था, एक पार्ट में मैंने आपको डायग्राम्स के थ्रू चीजों को क्या किया, क्लियर किया, और दूसरे पार्ट में जो हमारी एक टेक्स्ट बुक जो हमारी फार्माकोलॉजी की आती है जीडीसी पब्लिकेशन की, मे भी आपके पास वो होगा, नहीं होगा तो आप उस बुक्स को जरूर परचेज कीजिए, जरूर खरीदिए। कहां अवेलेबल है, तो सर जीडीसी क्लासेस ऐप पे अवेलेबल है, वहां से वो बुक्स को आप लीजिए। बहुत ईजी लैंग्वेज में वो बुक्स लिखे गए हमारे एक्सपर्टीज के द्वारा, कलर्ड बुक्स है, वहां से चीजें क्लियर होगी और उन्हीं के लाइंस को मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, डिक्टेट कर रहा हूं। तो मिलते हैं स्टूडेंट अगली क्लास में अगले कंसेप्ट के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग जीडीसी ट्यूटर एंड सपोर्टिंग जीडीसी ट्यूटर। थैंक यू वंस अगेन।